आदाब, मैं मुसफ्फर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। देश में माइनॉरिटी का क्या हाल है, माइनॉरिटी के साथ देश भर में खासकर उत्तर प्रदेश में किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, और मुस्लिम नेता जो आज गुलों में छुपे हुए हैं वो चुनाव के वक्त किस तरह से मैदान में निकल कर आएंगे, और उनकी पार्टियां किस तरह से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी। मैं इसलिए कि उन्हें मुस्लिम वोटरों के वोट को बांटना है। माइनॉरिटी फ्रंट के नेता डॉक्टर सैयद आसिफ हमारे साथ हैं, और इन मुद्दों पर उनकी मास्टरी है। हम उनसे बातचीत करेंगे मुसलमानों के तमाम मुद्दे पर। हमारा पहला सवाल है, डॉक्टर आसिफ साहब, देश में माइनॉरिटी का क्या हाल है? क्या आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों का हाल बहुत बुरा हो गया है? देखिए, सवाल है कि आज 7 सालों के अंदर मुसलमानों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उस पर तो आज बात होनी नहीं है। 7 साल का जो वक्फा इस देश में गुजरा है मोदी सरकार ने, उसमें मुसलमानों के इकोनॉमिकल एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात तो कोई करने को तैयार ही नहीं है। ना सरकार तैयार है, ना हमारी कौम तैयार है, ना हमारे लोग तैयार हैं। आज क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कॉमनल बनाने की कोशिश की जा रही है, कभी लिंचिंग की जा रही है, कभी उनके खिलाफ बोला जा रहा है, कभी उनके मजहब पर आया जा रहा है, कभी कोई भी तलाक के मामले को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सवाल है कि जो 7 साल से भारत के अंदर हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुसलमानों के वोट को जो है उनके खिलाफ बोल करके जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू वोट को यूनाइट कर रही है। 7 सालों के अंदर सिर्फ यही हुआ है कि मुसलमानों की बदहाली बढ़ती चली जा रही है। मुसलमान का कोई भी नेता जो है वो उसके पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ नहीं रहा है। सरकार के ऊपर जू ही नहीं रहती कि सरकार माइनॉरिटी का कोई काम करके दिखाए। ये 7 सालों के अंदर इस देश के अंदर जो मुसलमानों को इकोनॉमिकल एजुकेशनल डेवलपमेंट था वो एक तरीके से रुक गया है और वो पीछे चले जा रहे हैं। आज मुसलमान को सिर्फ डर इस बात का है कि उनकी जान बचे। आज उनको डर हर वक्त ये लगा रहता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो जाए, फसाद ना हो जाए और उनकी इज्जत आबरू ना लूट जाए। आप देखिए कि बिहार के अंदर भी हुआ है कि मुस्लिम टीचर को नंगा करके घुमा दिया गया और सारे लोग देखते रह गए, उस पर FIR भी नहीं लॉन्च हुआ। आपने देखा कि आज जो है हरियाणा के अंदर मुस्लिम लड़के के साथ जो उसको कत्ल कर दिया गया। आपने देखा कि मथुरा के अंदर जो है गाय लेकर के जा रहे थे और उस पर गाय का आरोप लगा करके दो नौजवानों करके पत्थर मार करके मार दिया गया। तो आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पिटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आज सवाल है कि आज किसी तरीके से भी सरकार मुसलमानों को संभालने के लिए नहीं तैयार है। सवाल है कि भागवत ने भी अभी यही बात कही, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान हमारे पूर्वज और ये हिंदू थे और ये हमारी अंश के हैं और DNA हमारा है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जिसका DNA हमारा है, क्या उसको पत्थर से मार करके और उसको ख़त्म करके और उस पर इल्ज़ाम लगा करके मुसलमानों को क्या देश के नाम ख़त्म कर देना चाहते हैं? सवाल है कि मुसलमान भी तो रोजी रोटी चाहता है, उसको भी रोज़गार चाहिए, वो भी देश का नागरिक है, एक वोटर है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है कि मुसलमानों ने आज बंगाल के अंदर ये दिखा दिया कि हम अगर अपना वोट एक जगह पर कर देंगे तो हम कॉम्युनल ताकत को रोक देंगे। जिस तरीके से बंगाल में कॉम्युनल ताकत को रोका है, अगर मुसलमान इसी तरीके से सारे अपने झगड़े, अपने फसाद, देवबंदी, अपने को दूसरे फिरके के कहने वाले सब मिलकर के मुसलमान सिर्फ एक हो जाए और एक होकर के अपने वोट का अगर इस्तेमाल करता है तो सवाल है कि ये कॉम्युनल ताकतों को हराया जा सकता है। अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें आप देखिए कि जिस तरीके से पिटाई हुई लोगों की, जिस तरीके से मुस्लिम
जो पंचायत के मेंबर चुने गए उनको जबरदस्ती वोट जो है बीजेपी ने अपनी तरफ डलवा दिया, और मजबूरी में वो जीतने के बाद भी मुसलमान वोट होने के बाद भी बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिया। आज जो है सरपंचों का आज रिजल्ट आया, 500 सीटों पर बीजेपी जीत गई। तो आप समझिए कि जब मुसलमान जीत के आया है तो क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया? आखिर कौन सा डर है इस मुसलमान को जो 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 है मुकाबला करने को तैयार नहीं है और मुसलमान की लीडरशिप आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रही है? आज मुसलमानों को एकजुट होकर के इस देश में सांप्रदायिक से लड़ना पड़ेगा, तभी उनकी रोजी रोटी खत्म होगी, नहीं तो वो भूखे मारने पर आपको चूल्हे में है और इस देश से निकालने पर आपके खिलाफ जो है मूवमेंट चलाने पर हर जगह है। क्योंकि हर इलेक्शन के पहले इनका यही मुद्दा होता है कि मुस्लिम मुद्दा उठा दो, मुसलमानों को पीट दो, हिंदू वोट को यूनाइट कर दो। और इसमें हम भी आ जाते हैं, हम अगर वोटों के बंटवारे को रोक दें उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक ताकत को रोक देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है सरकार की तरफ से, क्या आपको नहीं लगता कि सेंट्रल को या नरेंद्र मोदी को इसमें दखल देना चाहिए और जिसके साथ ज्यादती हो रही है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उनको कदम उठाना चाहिए? नहीं, देखिए सरकार की मंशा है मुसलमानों को डरा कर रखना, और उनका जब मकसद ही डरा कर रखना है तो मोदी सरकार क्यों मदद करेगी आपको जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर? ये तो आप मूवमेंट और आंदोलन चलाइए। आप जब हिंदुस्तान के अंदर एक आंदोलन जो है लोकपाल बिल का केजरीवाल ने चलाया तो सारे लोग एक होकर के आगे बढ़े और आंदोलन आगे बढ़ाओ, सरकार बदल गई और बीजेपी चली गई। अगर यही आंदोलन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे लोग मिल करके सेकुलर ताकत एक जगह पर आकर के अगर काम करेंगी तभी होगा, क्योंकि मोदी सरकार का कहने और करने में फ़र्क है। मोदी सरकार कहती है कि लिंचिंग गलत हो रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए FIR नहीं है। आप देखिए कि हरियाणा के अंदर आज तक अरेस्टिंग नहीं हुई जिसने उसने पकड़ करके आसिफ को मार दिया, कत्लेआम कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि सरकार जो है उसकी मंशा है वोट की राजनीति करने के लिए, और उसने हिंदू वोट को यूनाइट कर दिया है। आज मुसलमानों को और सेकुलर ताकतों को एक होना पड़ेगा इन सब सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए, और जब तक अगर एक नहीं होंगे इसमें आपस की रंजिश खत्म करनी होगी। हमें इन चीज़ को भी ख़त्म करना पड़ेगा कि हम समाजवादी के हैं, हम मायावती के हैं, हम कांग्रेस के हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको एकजुट होकर के एक तरफा वोट करना पड़ेगा, तभी ममता के ऐसा बदलाव ले सकते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा, उन्हें बेदार होना पड़ेगा और इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके वोट एक साथ एक मुश्त या भेड़चाल में उसी तरह से वोटिंग हो जैसे पहले हुआ करती थी। इसी आधार पर वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म से बच सकते हैं और अपने मनचाहे उम्मीदवार को जिता सकते हैं, नहीं तो उनके वोटों का बंटवारा हो जाएगा और भाजपा की मंशा पूरी हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।